आपके ही मार्गदर्शन और सलाह के ऊपर शुरू किया गया था, तो मैं आप डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि सभा को संबोधित करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सब मेरे मित्र भाइयों, 11 जनवरी को मैंने पदभार ग्रहण किया था हरियाणा टीम का। तैयारी चल रही थी हस्तशिल्प मेला जो हर साल आयोजित होता है, तो 36वें हस्तशिल्प मेले की फरीदाबाद में सूरजपुर में, वो हमने 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आयोजित किया। वो विश्व का सबसे बड़ा मेला बना, क्योंकि 17 लाख के लगभग जो है उसमें हमारे दर्शक आए और 40 से ज़्यादा देशों का उसमें सहभागिता रही। और इसी समय G20 चल रहा था, तो का मौका मिला, हरियाणा का पहला कार्यक्रम हमने G20 का सूरजपुर मेले पे किया। इसके बाद G20 का दूसरा कार्यक्रम हमको मिले का हुआ, उनका लंच का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। तो पहले हम अपने सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ लेके गए, फिर प्रतापगढ़ फार्म पर लेके हमने वहाँ उनका दोपहर के भोजन का आयोजन किया। तो हरियाणा को इसमें भी एक अपना माइलस्टोन तय करने का मौका मिला। तीसरा प्रोग्राम 30 अप्रैल को हमने पिंजौर गार्डन पर उनका फिर हमने डिनर होस्ट किया मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और एक बड़ा वो एक हरियाणा की अपनी छाप उनके ऊपर छूटी, कला की, संस्कृति की, हमारे सब उसकी, तो एक ये उपलब्धि रही। इसके बाद हमने 6, 7, 8 तारीख को 7, 8, 9 पिछले महीने जून में हमने जो है जुलाई में 7, 8, 9 जुलाई को हमने मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया। तो अभी तक तो 2 दिन का मैंगो का फेस्टिवल हम हर साल करते थे, लेकिन इस बार हमने उसकी अवधि 2 दिन की जगह 1 दिन बढ़ा दी, 3 दिन की कर। वो एक हमारा जो है उसमें कोई 500-700 के लगभग, बहुत ज़्यादा काउंटिंग तो मैंने नहीं की, लेकिन वो इतनी वेराइटियाँ आई और ये पहली बार सबको पता लगा कि हिंदुस्तान में आम की इतनी वेराइटियाँ होती हैं। तो हम लोग तो 5-7 वेराइटियाँ मार्केट में आती नहीं को जानते, लेकिन ऐसी ऐसी 400 से ऊपर जो है वेराइटियाँ उसके अंदर आई, तो वो इतनी सारी थी। और वो हमने अलग अलग लोग आए उस दिन, मतलब बहुत हमारा भव्य आयोजन वो मैंगो फेस्टिवल का। जिस दिन हमारा ये 19 फरवरी को सूरजकुंड मेले का समापन था, तो उस दिन चेयरमैन के नाते मुख्यमंत्री जी से मैंने सलाह करने के बाद घोषणा की कि ये हमारा एक ऐसा वेन्यू है सूरजकुंड का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी पहचान बना चुका है, तो क्यों ना इसमें हम एक और आयोजन करें। तो वो आयोजन हमने तय किया और मुख्यमंत्री जी ने फिर उसकी विधिवत घोषणा विधानसभा के पिछले सत्र में ही। तो 3 नवंबर से 10 नवंबर तक पहली बार फर्स्ट दीपावली मेला हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, और वो भी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दीपावली मेला होगा जो नए अपने पदचिन्ह छोड़ के जाएगा इस बार। और इसी तरीके से क्योंकि मैं तीज का महोत्सव पहले भी 2-3 बार मना चुका हूँ, आप सब लोगों को लगभग जानकारी है, अदिति फार्म पे भी पहले मनाया, इसके बाद पिछले बार बाल भवन में भी मनाया, फिर 2-3 साल कोविड का समय चला गया था तो नहीं मना पाए थे। तो इस बार ये तय किया कि यहाँ पर इस बार फिर हम इसको मनाते हैं और इसको हरियाणा टूरिज्म की तरफ से इसको आयोजित करते हैं। तो पहली बार हरियाणा टूरिज्म तीज महोत्सव मना रहा है, उसकी शुरुआत रेवाड़ी में होने जा रही है और 19 तारीख को हमने ये शाम को 4 बजे से लेके और 8-9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हरियाणा कला परिषद की तरफ से जो है हमने आग्रह किया था हमारे है जी कला संस्कृति क्या नाम है इसका, गजेंद्र फोगाट जी को मैंने निवेदन, क्योंकि वो मेरे परिवार की तरह छोटे भाई की तरह भी है, तो मैंने उसको कहा, तो उसने कहा कि आप गुरु जी कहोगे तो मैं निश्चित तौर पे आऊँगा और मैं अपनी परफॉर्मेंस दे दूँगा। तो 1.25 घंटे की उनकी परफॉर्मेंस होगी। एक कला संस्कृति में जो हमारे शहर के बच्चे हैं, हमारे ज़िले के बच्चे हैं, वो लोग करते रहते हैं, तो उनको भी एक ऐसा प्लेटफार्म मिले, एक ऐसा मंच मिले कि जहाँ वो अपनी कला को, अपनी संस्कृति की छटा बिखेर सकें, तो ये प्रयास भी था। तो उन लोगों को भी 1.25 घंटे का कार्यक्रम उनका रखा है। तीसरा, हमारे गांव की हमारी बहनें हैं जिनकी प्रतिभा गांव तक ही सिमट के रह जाती है शादी में, विवाह में, तो वो भी हमने सोचा कि उनको भी ऐसा मंच हम प्रदान करें तीज महोत्सव के नाते कि वो भी एक अपनी कला को यहाँ प्रदर्शित कर सकें। तो 1.5 घंटे का कार्यक्रम हमने उन बहनों का भी रखा है। तो ये 3 घंटे का लगभग का हमारा कल्चरल प्रोग्राम का ये आयोजन रहेगा वहाँ पर। और ये नया एक रेवाड़ी के अंदर इस तरीके का आयोजन होगा, क्योंकि उस दिन गवर्नर साहब को भी मैंने आग्रह किया था, पर गवर्नर साहब खुद राजभवन में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय पानीपत में कर रहे हैं, फिर मैंने हमारी स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री है, उनको भी मैंने किसी के थ्रू बात कराई तो वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो हमारी बदायूं की सांसद हैं डॉक्टर संगमित्रा जी, उनको मैंने, क्योंकि अभी मैं माँ जनसंपर्क अभियान के तहत 4 लोकसभा के प्रवास पर था, तब मेरा परिचय उनसे हुआ था, उनकी लोकसभा में भी गया था बदायूं,
उनको मैंने आगे कहा तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं जरूर आऊँगी, आपने मुझे याद किया है, तो वो हमारी मुख्य अतिथि होंगी। और हरियाणा भाजपा की तरफ से भी हमने इनकी ये भी तीज महोत्सव मनाते थे तो इनको भी मैंने प्रदेश अध्यक्ष को आग्रह किया कि ये भी आप सब लोग यहाँ पर भागीदार बनेंगे तो इसमें और चार चांद लगेंगे। तो हरियाणा प्रदेश महिला मोर्चे की जो हमारी अध्यक्ष है सुनीता गांधी जी ने आज वर्चुअली मीटिंग करके उन्होंने अपने 7 जिले की बहनों को कहा है कि आपको सबको इस कार्यक्रम में, क्योंकि जो रेवाड़ी के नज़दीक के 7 जिले हैं, महेंद्रगढ़ है, दादरी है, भिवाड़ी है, रोहतक है, झज्जर है, गुड़गावा है, नूह है, फरीदाबाद है, तो ये 7-8 जिलों की बहनों को भी उन्होंने आज वर्चुअल मीटिंग करके कहा है। और इसमें भी हमारी राष्ट्रीय महामंत्री वो भी आने वाली है। तो इस तरीके का एक ये हरियाणा के स्तर का राज्य स्तरीय सम्मेलन पहली बार हरियाणा टूरिज्म करने जा रहा है, तो इसमें सब मैं आप सब लोगों को भी, सब परिवार की हमारी बहनें बहुएँ, सब परिवार की महिलाएँ आएँ, उनको भी मैं आप लोगों के माध्यम से जो है आमंत्रित करूँगा कि सब लोग आएँ। और राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक चीज़ें तो चलती रहती हैं, उससे हटके भी दूर कुछ नया भी होना चाहिए, इसी आशा और विश्वास के साथ ये आयोजन कर रहा हूँ। इसमें आप सब लोगों की मेरे प्रति प्यार पहले भी रहा है, इसमें और आयोजन को जितना ज़्यादा आपके माध्यम से दूर दूर तक पहुँचाने का काम होगा तो ये इसमें चार चांद लगेंगे, सबकी सहभागिता होगी, शहर का नाम होगा, प्रदेश भर के अंदर एक मैसेज जाएगा। इतना निवेदन मिलेगा, प्रतिमान हो गया। अभी मैं मीडिया बंदों से दरख्वास्त करूंगा कि क्वेश्चन आंसर का शुरू किया जाएगा, तो एक एक करके अपने प्रश्न कृपया रखिए। बात कर रहा था लोग कम पसंद करते हैं प्राइवेट। अब ये सेंट पाइपर में बैठे हैं, इसी सेंट पाइपर में ये शहर के बीच में था, इससे प्राइम लोकेलिटी क्या होगी, लेकिन आज जगह जगह रेस्टोरेंट, जगह जगह होटल, जगह जगह खुल गए हैं। तो एक क्या है कि जैसे थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के तौर पे जंगल बबलर है हमारा, अब जंगल बबलर इतना बड़ा हमारे पास फरमाइसिस है, लेकिन वो कहीं पार्किंग के कारण से वो सारा हम उसको डेवलप कर रहे हैं, वो दे दें उनको लीज के ऊपर दे दें, हम तो हमको किराया आता रहेगा, वो वहाँ पर अपना कुछ खड़ा करके कोई विवाह समारोह स्थल बनाए, कोई पार्टी मीटिंग का बनाए, तो इस तरीके का जगह जगह का। हम तो उस समय से हैं जब सत्ता में पार्टी नहीं थी, उस समय से लोगों के बीच में रहते, तो हमारे लिए ये चुनाव की शुरुआत इसको ना कहो, इसको कोई जो है ये तो प्योरली यदि मन की शुद्धता से आप पूछोगे तो इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये बहनों के लिए और चेयरमैन के नाते पहला मैं तीज महोत्सव यहाँ कर सकता था हरियाणा टूरिज्म का, कि 20 साल के बाद की मैं सोच रहा हूँ कि 20वां जब करेगा हरियाणा टूरिज्म, तो ये शुरुआत किसने की थी। हम लोग मैंने पता किया कि जब ये सूरजकुंड मेला 36वां लगा रहे हैं तो पहला किसने लगाया था, तो पता लगा कि हमारे के मिश्रा जी ACS होते थे टूरिज्म के, उन्होंने ये शुरू किया, तो मन को लगा कि भाई किसी ने शुरू किया था। तो ये मैं दीपावली मेला मेरे चेयरमैनशिप में शुरू हो रहा है और तीज महोत्सव हरियाणा टूरिज्म मेरे नेतृत्व के अंदर शुरू कर रहा है, तो ये 20-30 साल के बाद जो पीढ़ी होगी उसको प्रेरणा देने का काम करेगा, इतनी मेरी भावना है। इसके अंदर कोई राजनीतिक सोच नहीं है, कोई राजनीतिक बात। आरती राव जी सक्रिय हो गए। तो भैया मैं कभी आज तक जीवन में लाइन में नहीं लगा, ना लाइन में लगने का मेरा स्वभाव है, मैं तो जहाँ खड़ा होता हूँ उतना प्रसाद इसमें दे रखा, लाइन वहाँ से शुरू होती, वो लगेगा पार्टी को मुझसे क्या काम लेना है, मुझसे कहना है भाई आरती को टिकट दे के आरती को लड़ा रहा है, तो मैं आरती की जय जयकार करूँगा, पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। मुझे लगेगा रणधीर कापड़ीवाल जी आते हैं उनको पार्टी टिकट देती है, मैं रणधीर भाई मेरे बड़े भाई है, मैं उनके लिए जय जयकार करूँगा, मुझे कोई संकोच नहीं है। पार्टी जिसको आगे लेके आएगी, मैं ना आज तक कोई पद मांगने गया हूँ, ना आज तक मैं टिकट मांगने गया हूँ, और ना मैं आगे जाने वाला हूँ, ये मेरा संकल्प है। पार्टी ने जो निर्णय करना है अपना करेगी, वो कहेंगे यहाँ ये लड़ना है, पंच का लड़ना है, पंच का लड़ूंगा, राष्ट्रपति का कहेंगे राष्ट्रपति का लड़ूंगा, बीच में कोई कहेंगे वो लड़ूंगा, मैं पार्टी के बाहर जाने वाला नहीं हूँ, पार्टी की रीति रीति को मानने वाला। आपने कह दिया लूंगा, पार्टी का जो आएगा मैं लगूंगा, मैं उससे बाहर नहीं हूँ बिल्कुल, मैं तो चार बार कह रहा हूँ, जब पार्टी का निर्णय किसी के लिए भी होगा तो यदि मैं पार्टी का हूँ तो मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ। चेयरमैन साहब यदि पार्टी तो लड़ूंगा ना, मैंने कहा पार्टी मुझे करेगी तो मैं कोई भागने वाला हूँ क्या, कुर्ते पजामे में पैर रख के, आजकल तो मोटे भी चुनाव लड़ने लग गए, तो मैंने तो कुर्ते पजामे 42% सीनियर कौन है रेवाड़ी के अंदर। देखिए कप्तान साहब की बात को मैं बहुत सीरियस नहीं लूँ, कप्तान साहब अपने तरीके से अपनी राजनीति करते हैं, वो भाग्य के इतने धनी हैं कि वो 6-6 बार जो है वो यहाँ से विधायक बन गए, अब 7वीं बार बेटा बन गया, तो वो क्या बोलेंगे उनकी बात का कोई वो नहीं है। और इतना है कि भाई आगे भी ईश्वर उनको सदबुद्धि दे, वो अपना लगे रहे, एक मंच पर वो मेरे साथ साझा कर रहे थे, मैंने उनको किसी बात का वो जवाब दिया, वो मेरे साथ गुस्से में आके कहने लगे कि तुमको पता नहीं तुम कैसे कह रहे हो, मेरे तो 5 लाख वोट आए थे,
तो मैंने हाथ जोड़ के फिर ईश्वर से उनके सामने प्रार्थना की कि भगवान फिर ये पांचवा मैच लड़े और इनके 5 लाख वोट फिर आए। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, 5 और फालतू आए। तो राव कप्तान साहब का अपना है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अपना अपने विचार रखते हैं, उनके विचार हैं भाई। वो तो ये राव इंद्रजीत साहब सोचे हैं कि कप्तान साहब के बेटे को साथ रख लेंगे तो शायद जो है गलती राव साहब ने की होगी जो कप्तान साहब कह रहे हैं। अब राव इंद्रजीत गलती नहीं करेंगे तो राव इंद्रजीत साहब को मौका लग जाएगा, इनका आशीर्वाद मिलने से शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए। ये उनको सोच रहा है क्या करना, ये मेरा विषय नहीं है। भाजपा अगर आपको टिकट देती है तो क्या राव के पास आप समर्थन लेने जाएंगे? देखिए कुछ चीजों का कोई जवाब नहीं होता है, जो आपसे पूछ रहा है इस विषय पर मैंने अपने मन की भावना उनको अकेले में बताई थी और वो सार्वजनिक उससे कराना चाहते हैं तो ये उनकी चाणक्य चतुराई है। ये उनका ये कुछ बातें यदि मैं आपके साथ मित्रता में कर रहा हूँ उसको सार्वजनिक कराना चाहेंगे तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये समय आने पर अब कप्तान के रणधीर भाई की बात का तो वही जवाब दे सकते हैं। नूरा कुश्ती उनको नूरा कुश्ती दिखा रही, पर नूरा कुश्ती क्यों करेगी? नूरा कुश्ती का वो कांग्रेस के नेता है, राव साहब बीजेपी के नेता है, नूरा कुश्ती की जरूरत कहाँ है? वो भी चुनाव लड़ेंगे, उनको पार्टी टिकट देगी तो राव साहब को पार्टी टिकट देगी तो राव साहब लड़ेंगे और जो दोनों प्रतिद्वंदी होंगे वो आपस में नूरा कुश्ती का कोई कारण नहीं बनता ना। कोई तीसरा आके नूरा कुश्ती की बात करें समझ में आता। कप्तान साहब का ये कहना ठीक नहीं है कि कप्तान साहब या रणधीर भाई का ये कहना ठीक नहीं है कि भाई नूरा कुश्ती है। दोनों पार्टी के नेता हैं, दोनों पार्टी के कैंडिडेट पिछली बार भी रहे थे तो दोनों जीतना चाहेंगे। जनता का है मतदाता किसको जिताता है, तो नूरा कुश्ती का इसके अंदर कोई वो नहीं है सर। ठीक ये बातें आई जी, आपने कहा है बयान दिए हैं, निर्णय सर्वमान्य होते हैं तो टिकट बंटवाने में कोई गड़बड़ नहीं हुई थी है कि जो भी गड़बड़ होती जब जो निर्णय करने वाले थे उस समय की परिस्थितियों को देख के उस समय की स्थिति को देख के जो निर्णय करते अपने हिसाब से निर्णय नहीं करते जी। अब वो जनता बताती है कि निर्णय ठीक था या निर्णय नहीं था, लेकिन निर्णय करने वाला अपनी बुद्धि से अपने विवेक से अपने ज्ञान से निर्णय ठीक करते हैं। उस समय के निर्णय करने वालों ने भी वो निर्णय अपने हिसाब से ठीक किया। तो चेयरमैन जी मैं निर्णय करने वाले जब बैठेंगे तो वो निर्णय करेंगे, मैं कैसे बताऊंगे? ये इसका सवाल मेरे से आप क्यों पूछ रहे हैं? शब्दों की मर्यादा राजनीति में हर एक को रखना, शब्दों की मर्यादा किसी को भी नहीं खोना चाहिए। रणदीप सिंह सुरदेवाला चाहे हमारे विरोधी पार्टी के हों पर बहुत सीनियर नेता हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आजकल वो MP हैं राज्यसभा के, तो सबको वो सुरदेवाला के लिए नहीं सबके लिए ही है कि राजनीति के अंदर हम लोग हैं तो शब्दों की मर्यादा और एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये दो चीज़ें निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं 40-42 साल की राजनीति के अंदर मैंने कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी के लिए यदि मैंने कोई बात भी कही होगी तो सम्मानजनक तरीके से कही होगी। वो सम्मान राजनीति के अंदर रहना चाहिए, हर एक को उसका की पालना करना चाहिए। विरोधी हो सकते हैं लेकिन किसी को अमर्यादित भाषा का प्रयोग, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए राजनीति सार्वजनिक जीवन के अंदर। जा रहा है लोकल लेक का पुनरुद्धार हो रहा है, काम चल रहा है। ये आप जो सोनावाली का कर रहे हैं इसका भी हमारे प्लानिंग में है, यहाँ भी हम रिनोवेशन भी जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई हरियाणा पर्यटन थोड़े समय के अंदर आपको फिर पहले नए रूप के